विमलम नित्यम विमल यचलम सर्वादिसाक्षी भूतम भावतीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुत्वम नमामि। बंदौ गिरिपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामोहतम पुंजासु वचन रवि करणि। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। और 31 जुलाई रविवार के दिन पुनः मैं आपके सामने राशिफल को लेकर, और रविवार का दिन कैसे शुभ और मनोनुकूल बीते उपाय बताऊंगा अद्भुत। 12 के 12 राशियों के लिए ये उपाय काम करेगा। आप व्यवसाय में पिछड़ रहे हैं, व्यवसाय में आपको लाभ नहीं मिल रहा है, साथ ही परिवार में माता या किसी न किसी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, आज का रविवार बहुत अद्भुत है। रांगा की 11 ठोस गोली अपने ऊपर से 11 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाह कर देना, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। श्रद्धानुसार जौ, संकल्प लेके गौशाला में दान दे देना, रविवार बहुत अच्छा बीतेगा। नमुना है। और बात करते हैं रविवार की पंचांग। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा और विक्रम संवत 2068 श्रावण मास की 16 प्रविष्ट, शक संवत 1933 श्रावण 9 तदनुसार रविवार 31 जुलाई सन 2011 पातकाल नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और चंद्रमा कर्क राशि। रविवार का राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक, और पुनः याद दिलाना चाहता हूं राहु काल के दौरान शुभ कार्य नहीं करें तो अच्छा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज की यात्रा की। आज जहां आप रहते हैं वहां से पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से ठीक नहीं मानी गई, लेकिन जहां आप रहते हैं वहां से उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार के लिए बहुत लाभदायक और उन्नतिदायक रहेगी, ऐसा मेरा अनुभव मैं दिया। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गाय का देसी घी का 1 चम्मच सेवन करके यात्रा पे निकल जाइए, यात्रा लाभदायक है कि यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन और बात करते हैं प्रातकालीन लग्न। प्रातकालीन लग्न कर्क लग्न, लग्न में सूर्य और शुक्र, मंगल मिथुन राशि में, केतु वृषभ राशि में, बुध सिंह राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और शनि कन्या राशि में और राहु वृश्चिक राशि में, यह ग्रहों का भ्रमण काल। और ये भ्रमण कालीन ग्रह इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे मैं बात करूंगा आपके अपने राशिफल की जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित है। नमन मेष राशि वालों, सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही, आज कारोबार परिवार और स्वास्थ्य में तीनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, परिवार में विवाद है और असहयोग की भावना भी है, थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा सुबह से लेकर शाम तक। क्या करें, जरूरतमंद को सहायता अवश्य करें आज, और क्या ना करें जो आपको मदद करते हैं उनसे दूरी ना बनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, ग्रह गोचर सफलता का संकेत दे रहे हैं, आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ होगा, कार्य व्यवस्था में सुधार, बाहुबल बढ़ेगा, कुटुंब और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आज अतिथि सत्कार का लाभ मिलेगा। नमन। क्या करें, किसी विशेष कार्य को आज कर सकते हैं अच्छा रहेगा, क्या ना करें बहुत जरूरी है आज के दिन विवादित कार्यों से अपने आप को दूर रखना, सरकार विरोधी कार्य ना करें। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, गोचर थोड़ा सा मध्यम है, लाभ प्राप्ति के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, खुद को खड़े होकर अपने काम को देखना पड़ेगा, दैनिक दिनचर्या को नियमित रखना होगा, वाणी में थोड़ा सा संयम रखना होगा और भाई बंधुओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। आज विशेष क्या करें तो आज लंबी यात्रा फायदेमंद रहेगी, क्या ना करें तो दूसरों की कई बातों में नहीं आना बहुत जरूरी, कान के कच्चे मत रहना, मेरे कहने का मतलब है। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल और लाभदायक, सफल होंगे, प्रयास सफल होंगे, आर्थिक लाभ मिलेगा, अपनों का पूर्ण सहयोग, स्वास्थ्य उत्तम और रुके हुए कार्य पूरे, क्या करें तो आर्थिक लाभ के लिए किए गए प्रयास आज सार्थक होंगे, क्या ना करें व्यर्थ के विवादों से अपने आप को दूर रखें और कोर्ट कचहरी के झमेले में ना पड़े। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, गोचर यह संकेत आज रुकावट है, कार्य में रुकावट है, यात्रा में हानि है, वे लोग जिनको आपने खड़ा किया आज वही आपकी टांग खींचने का प्रयास करेंगे, परिवार में विवाद हो सकता है, धन की कमी और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, क्या करें, प्रॉपर्टी में पूंजी लगाना नुकसान नहीं,
क्या ना करें, तेज गति से बढ़ने के लिए मना नहीं है, लेकिन ब्रेक अपने हाथ में रखे इस बात का ध्यान, ब्रेक पर काबू रहना चाहिए। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत है, आज यात्राओं का मौका मिलेगा देश विदेश की, सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा, मित्रों का पूर्ण सहयोग और पारिवारिक लाभ भी प्राप्त होगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका भी, आज उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें, उचित और अनुचित का विचार जरूर करें, क्या ना करते तो व्यर्थ की बातें नहीं करें, अनर्गल बयानबाजी से बचे। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, धन लाभ होगा और मन वासी सफलता प्राप्त होगी, आज चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा और आज स्थान परिवर्तन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। एक बात कहना चाहता हूं, आप नौकरी में तो थोड़ा सा मुस्कराइए, बॉस आपके लिए आज तोहफा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। नमन आ रहे, क्या करें, दिए गए वचनों को पालन अवश्य करें, क्या ना करें, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं तो आज उधार धन न ले। नमन आ रहे। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, जिससे कि ग्रह योग का योग है, आज समय और प्रश्न में सुधार नजर आ रहा है, आज सामाजिक कार्य में हिस्सा लेने से आपको लाभ मिलेगा, सामाजिक सुयश बढ़ेगा, लेखन में प्रोत्साहन मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और धन लाभ भी होगा। नमन। क्या करें, निजी कार्य को पूरा करने का सुंदर अवसर है, क्या ना करें, बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। नमन है।